उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े हादसे के दोषियों की तलाश शुरू हो चुकी है। हादसे की पूरी मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और 24 घंटे के भीतर उन्होंने जांच रिपोर्ट मांग ली। इस बीच सीएम योगी का कहना है कि हाथरस की घटना हादसा है या फिर साजिश है, इसकी जांच हर एंगल से की जा रही है, जिसके लिए अब टीम का गठन भी हो चुका है। दरअसल सीएम योगी ने आगरा एडीजी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया। इस टीम में रिटायर्ड अधिकारी को शामिल किया गया है जो पारदर्शी तरीके से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। साथ ही सीएम योगी ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आयोजनकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद हाथरस कांड में हादसा या साजिश वाले एंगल से जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट सीएम योगी ने 24 घंटे के भीतर मांगी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या कुछ घटा है हाथरस कांड। हाथरस में भीड़ की भेंट चढ़े 121 लोगों की मौत कैसे हुई? कैसे बाबा की चरणों की धूल के लिए 121 श्रद्धालु अपनी जान गंवा बैठे? अब एक एक रहस्य से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि सीएम योगी ने इस मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है, बल्कि न्यायिक जांच का भी फैसला किया है। इस पूरे घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टिया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि एडीजी आगरा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। घटना की गहराई से जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार ने न्यायिक जांच का भी फैसला किया है। रिटायर्ड हाईकोर्ट के न्यायाधीश नेतृत्व करेंगे, प्रशासन के रिटायर्ड अधिकारी भी हिस्सा होंगे। सीएम योगी ने बताया कि आगरा जोन के एडीजी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। ये जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। हादसे के कारणों, हादसे के जिम्मेदारों के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की न्यायिक जांच की जाएगी, जो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते, किस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। दरअसल इस घटना के बाद से नारायण साकार, मुख्य सेवादार और सत्संग में शामिल अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित हो चुकी है। दावा ये किया जा रहा है कि इस हादसे के एक एक गुनहगार को सलाखों के पीछे पहुँचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।